हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं विकास श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास सेकंड का मैथ पढ़ेंगे। हम जान रहे हैं हमारे बच्चे छोटे प्यारे नन्हे मुन्ने बहुत मन से पढ़ाई कर रहे हैं घर पर आज। तो आप लोग घर पर खूब अच्छे मन से पढ़ते रहिए, नोटबुक या रफ कापी पर काम को भी करते रहिए। देखा जाए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। राइट द नंबर्स, दी गई संख्याओं को लिखिए या संख्याओं को लिखिए इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड का मतलब होता है विस्तारित, विस्तारित। एक्सपेंडेड को बोलते हैं विस्तारित हिंदी में, फॉर्म मतलब रूप। विस्तारित रूप में लिखना है हम लोग को, मतलब किसी चीज को फैला देना, पूरा प्रसार करके लिखना, वही कहलाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे 56 है ना, 56 में दो डिजिट आया है 5 और 6, तो 5 क्या है 6 क्या है वैसे ही लिखना है। तो क्या है 5? मैंने पढ़ने के लिए बताया था क्लास फर्स्ट के वीडियो में, वन टेंस। 56 है 56, तो पहले डिजिट को वन, दूसरे डिजिट को टेंस, तो वन टेंस वन टेंस वन टेंस वन टेंस वन टेंस, सब दो ही डिजिट है, वन टेंस के अकॉर्डिंग करना है। तो ये वंस और ये टेंस है ना, तो 5 क्या है टेंस, तो लिखेंगे 5 टेंस। टेंस की स्पेलिंग होती है, याद है आप लोग को टेंस की स्पेलिंग, TENS, एंड माने और। 5 6 क्या है वंस, तो 6 ONES ऐसे लिखना है। 5 टेंस 6 वंस, वंस की स्पेलिंग ONES। एक्सपेंडेड फॉर्म है कि नंबर्स में बता दीजिए कौन सा डिजिट क्या है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा 3 टेंस एंड 9 वंस, इसमें क्या होगा 6 टेंस एंड 4 वंस। जो टेंस होता है बच्चों, जो टेंस का डिजिट है वह लिखोगे, और उस टेंस का मतलब 10 से गुणा, 5 में 10 से गुणा करेंगे 50, 5 में 10 से 5 10 या 50, मतलब जो टेंस का डिजिट होगा उसके आगे 0 बढ़ा के लिखना है। प्लस, एंड का मतलब प्लस होता है, वंस का मतलब 1 से गुणा। 6 वंस है 6 कन्नम 6, 6 वन जा 6, ऐसे काम करना है आपको। आइए एक और करके आपको बता दें। 3 क्या है, 3 टेंस है ना, तो 3 टेंस TENS एंड AND 5 वंस 5 ONES। फिर मैंने क्या कहा, फिर इक्वल लगाइए, फिर इक्वल। 3 टेंस का मतलब 3 के आगे 1 0, प्लस एंड मतलब प्लस, 5 वंस का मतलब केवल 5। देखिए उसी तरह इसको करना है, ऐसे सारे पार्ट को करना है आपको। आज के इस वीडियो में इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।